नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने बेसन और सूजी का ढोकला तो कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ जो ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ वो टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत होने वाली है, क्योंकि हम इसे मूंग की दाल के साथ बनाएंगे। और आप सभी जानते हैं मूंग की दाल जो होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और इस दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ढोकला बनता है। तो आप देख सकते हैं कितनी जालीदार ढोकला है, और इसी के साथ ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बहुत है। तो आप जरूर से ट्राई कीजिए, और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था, जिससे ये जो दाल है थोड़ी सी फूल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल जो है बहुत जल्दी से फूल जाए, तो इसीलिए आप यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ करें। तो दाल का सारा पानी निकाल देते हैं और एक मिक्सी जार में दाल को डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसे पीसेंगे। और अब इस दाल में हम ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से काटा हुआ है, और इसी के साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देती हूँ। इसे भी मैंने छील के काट रखा है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हरी मिर्च और अदरक का। तो जार का ढक्कन लगा लेते हैं और इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, तो इस तरह से चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन है ये। तो अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसी के साथ डाल देते हैं 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, ये घर पे पीसी हुई चीनी है, इसकी जगह आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच टार्टरी, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, बहुत ही खट्टा मीठा फ्लेवर देगा ये हमारे ढोकले को। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका बेटर बनाएंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इस ढोकले में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा पानी मैं इसमें और डाल देती हूँ, तो इसे भी चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। ये जो बेटर है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, और इतने बेटर को बनाने के लिए मुझे 1/2 कप पानी लगा है। टोटल 1 कप पानी था, उसमें इसमें से मैंने थोड़ा पीसते समय भी यूज़ किया है, और थोड़ा मैंने इस समय डाला है, यानी पूरे बैटर को बनाने के लिए 1/2 कप पानी लगा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच तेल, जिससे ये जो ढोकला है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तेल को मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी सभी रेसिपीज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वर्षा भाउसार्स रेसिपीज पर विजिट करिए, यहाँ पर मैं सभी रेसिपीज इंग्लिश में डालती हूँ। तो ये देखिए तेल भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 छोटी चम्मच से भी कम मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दही या इनो का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मीठा सोडा डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं एक बार, यानी इसे थोड़ा सा फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे जैसे ही हमने फेंटा है ये थोड़ा फूल भी चुका है, और इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट भी हो चुका है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसे तेल लगा के चिकना कर लिया है, तो इस बर्तन में हम ये सारा बैटर डाल देंगे। तो एक तरफ मैंने गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई में पानी को भी गर्म कर लिया है, क्योंकि ये जो ढोकला है मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे बनाने के लिए। और इस कढ़ाई में मैंने इस तरह का एक जाली स्टैंड रखा है जो सभी घरों में होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी एक प्लेट आप उल्टी करके इसमें रख सकते हैं। अब हम इसमें ये बैटर वाला बर्तन रख देते हैं और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अब हम 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम होने देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ढोकला हमारा पका है या नहीं। तो एक टूथपिक लेके इस तरह से इसमें डालेंगे, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर निकली है, यानी जो ये ढोकला है अच्छे से पक चुका है। अगर आपको लगता है आपका ढोकला थोड़ा कच्चा है तो आप इसे कुछ मिनट के लिए और पका लें। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद मैंने इस चाकू से इसके किनारे छुड़ा ली है, ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद ही हमें ये काम करना है। तो अब एक प्लेट पर हम इसे उल्टा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही जालीदार बना है, इसी के साथ ये सॉफ्ट भी बहुत है। तो अब हम इसे सीधा करके कट कर लेंगे। तो चाकू से आप अपने मनपसंद साइज में इसे कट कर लीजिए।
तो सभी पीस मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। देखिए आप कितनी अच्छी जाली बनी है इसमें। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी यहाँ पर। तो इसके लिए गैस चालू करके गैस पे मैंने तड़का पैन रखा है। अब डाल देते हैं इसमें 2 छोटी चम्मच तेल। तो तेल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे और राई को अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च जिसे थोड़े लंबे पीस में काटा हुआ है। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच तिल। तो आप चाहें तो यहाँ पर करी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी है तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है और पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और अब ये जो तड़का है ये हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। तो अगर आप इसे और खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप तड़के में भी चीनी और आधा नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम इसे इस तरह से फैला देंगे। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्थी बहुत ही टेस्टी ढोकला यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।